अब परवेज लाई साहब के इस फैसले के बाद आपसे कहा जा सकता है या पूछा जा सकता है तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? नहीं सर, ये बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सियासत उन्होंने लहदा कर ली है, वैसे कल भी उन्होंने साढ़े लो सालन मंगाया थी। ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखे सियासत लहदा हो सकती है, प्यो पुत्र लहदा कर दिए इमरान खान ने, तो ये हम तो भाई भाई हैं, कोई कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं तो बच्चों को कहता हूँ कि शायद के वो लौट आए दरवाजा खुला रखना, मगर इतनी देर भी ना खुला रखना कि बिल्ली अंदर आ जाए। चौरी साहब, इस तरह की सिचुएशन पे रहसन पट्टी साहब ने बहुत पहले गा दिया और कह दिया, एक टाणी दे दो फुल सजरे, एक जिद ते एक जान, अज दे विछड़े कद मिलणगे जाने रब रहमान। देखिए आपके इंटरव्यू के लिए कहां कहां से मैंने दानिश्वर जमा किए। जिन्हें दी दानिश्वरी सुना रहे ने बड़ी साहब, वो भी साढ़े गुजरात दे सारे। बहुत बड़े आदमी हुए हैं हमारे शहर के, वो लेजेंड हुए हैं। जी साहब, मसला ये है, ये उनका अपना फैसला है, परवेज अली साहब का, और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि वो पछताएंगे कि उन्होंने गलती की थी। ये अपनी शनाख्त खो दी है उन्होंने। जनाब साहब, इस तरह ही है कि अगर पानी च रूफ साहब पा लो तो मुड़ के उन्होंने पानी कोई नहीं कहता, रूफ साहब कहने लग अपनी पहचान नहीं रही हूँ, पीटीआई हो गए ने। तो ये तो तारीख हुआ है कि इमरान खान साहब ने देखा है इनके साथ क्या करना है। मुझे कोई टेंशन नहीं, मासवा इसके के नाल सारे बंदे भी ले गए ने मेरे। देखे ना जरा, मेरे मेंबर भी सारे ले गए हैं। पता नहीं उन्होंने की किया ने, मैं तो मिले ही नहीं। मैं जुनैद साहब, मैं तो अपने असूलों का आदमी हूँ। मैं अपने घर में बैठा हूँ। पहले इन्होंने मुझे काफली की सदारत की कश्ती से सीधा समुद्र में फेंक दिया था। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी तरफ लाइफ जैकेट फेंक के मुझे बचा लिया था। तो अब ये खुद चले गए हैं तो ठीक है, जाओ सानू की। चौधरी साहब, अगर वो बंदे ले गए तो क्या हुआ? ये कल जब आप मुस्लिम लीग हाउस में गए हैं तो क्या शानदार आपका इस्तकबाल हुआ, क्या नारेबाजी हुई है। मगर वो पता नहीं था वो नारे कौन लगा रहे हैं। वो जितने भी पहचान वाले बंदे थे वो सारे वो ले गए हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं, अब ये लोग जो मेरे साथ हैं इंशाल्लाह ये भी नामवर हो जाएंगे। जो चोरी शिजात हुसैन के साथ लगे वो भी नामवर हो गया। नहीं नहीं चोरी साहब, वहाँ बड़ा जश्न हुआ, बड़ी देगे पकी है। नहीं नहीं, देगे तो कोई नहीं पकी। उसको सिर्फ देखो का पता है। जी होरन हो रही थी, डोरी थी। चलो हमारे गोगे का यही तो कमाल है कि जाम शोरों में भी बिरयानी की देख का जब ढक्कन उठता है ना, इसको लाहौर में खुशबू आ जाती है। क्या बात है जी, गोगा ही थी, जानवर नालों ज्यादा सोंग गई थी। चौधरी साहब, बिल्ली कह दियो, ये होर ना जानवर समझ लें। चौधरी, इसकी बिल्ली से ज्यादा सोंग है और हाथी से ज्यादा भूख है। मेरा अपना ख्याल ये है जनाब साहब, ये
बाकी सियासतदान ये खाबे छापे खिला के तो वोट हासिल करते होंगे, हम अल्लाह के फजल से जो लंगर चलाते रहते हैं एक वोट हासिल करने के लिए नहीं, ये हमारी मेहमान नवाजी है, हमारी मेहमानदारी अल्लाह के फजल से मशहूर है। हम सड़क पे जाते हुए बंदे को खींच के खाना खिला देते हैं। ऐसा देखें पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें, पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान और दूसरे नंबर पे चोए साहब का रोटी छोटी खा के जाना, दो ही तो स्लोगन मशहूर हुए। मैं माफी चाहना जनाब साहब, बड़ा अफसोस है मैंने ताड़ी दानिशवरी दे केड़ी शह कि मिला दी थी, ओदा तो अज तक वादा ही नहीं होया, रोटी कपड़ा और मकान फोटो ने देन दा गया सी या लेन दा गया सी। आपने भी फिर बाद में रोटी छोटी खा के जाना पे मिट्टी पाओ कह दिया था। हलवा हराम ना बनो, मैं हलवा भी खुआया मैं भी याद है, और अपने हाथ ना चमची ने खुआया तुम, जो तुम सूप भी आया थी वो साल च एक बार ही बनता है। एक दफा क्यों सूप बनाते हैं, सूरज ग्रहण में बनाते हैं। प्यारे मेहमान जो होते हैं वो सूरज ग्रहण से कम नहीं होते, अल्लाह के फजल से हमारी जो मेहमानदारी है वो मशहूर है सारे पाकिस्तान। मेहमानदारी बहुत ही मशहूर है के खानिया वाली मियां जी की दाल मशहूर है। गल सुनो गौरी साहब, किसी वे मुहावरा गलत करने की भी कोशिश करी दी है, मूह चंगा ना हो तो गल चंगी कर ली दी होती है। मियाँ जी तो दाल खिला के तो बिल दे देते हैं, तो हम तो रोटी छोटी खिला के साथ फिर गुड़ वाले चावल देते हैं। गुड़ वाले चावल नहीं भूलते चौधरी साहब मैंने। हाँ जी हाँ जी खाते जी बहुत पसंद है। कुरचन भी कहा जाता है जी। हाँ जी मैंने चंगी तरह याद है, ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖੰਡਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਚੌਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। बात ये सियासी जो हालात है पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कौन किधर जा रहा है या कौन क्या कर रहा है, इसको छोड़े इस वक्त एक होने की जरूरत है, खुदा के वास्ते कुर्सी की बजाय मईशत देखें पाकिस्तान की, मुल्क के हालात देखें, इकट्ठे हो जाएं।